हाँ भाई, जैसा कि मैंने कहा था कि आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी और शुरू हो गई हैं। मैथ भी शुरू हो गई, साइंस भी शुरू हो गई। अब जम करके खूब कस के मेहनत करिए, और अगर कोई प्रॉब्लम तुम्हारे साथ आती है, कोई क्वेश्चन मैथ का जैसे नहीं बनता है या साइंस में कोई प्रॉब्लम आती है, कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट डाल दीजिए। दूसरे दिन जब भी हम आपके सामने होंगे तो वो प्रॉब्लम हम दूर करेंगे। दूसरी बात, अगर लेक्चर मेरे अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए, जैसे उनको भी फायदा हो, वो भी अच्छे से पढ़ें और अच्छे मार्क गेन करें। क्योंकि ज्ञान बढ़ने, जितना बांटोगे ज्ञान उतना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। तो हमने जैसे आपके लिए किया है, यूट्यूब के माध्यम से हम सभी को पढ़ाने का वादा किया है और पढ़ाएंगे कंटिन्यूअस। और आप भी स्वयं खूब तैयार करिए और अपने दोस्तों को बताइए कि यूट्यूब पर साइंस और मैथ दोनों की क्लासेस चालू हो चुकी हैं, 9th की भी और 10th की भी। तो खूब कस के जम के पढ़ाई करिए, जैसे बोर्ड में तो नंबर अच्छे आए ही, आगे चल कर के जब तुम IIT का एग्ज़ाम दो या नीट का एग्ज़ाम दो, वो भी 12th के साथ आप क्वालिफाई करें, तो हम जड़ से लेकर के और तुमको टॉप तक पहुंचाते रहेंगे यूट्यूब के माध्यम से। तो निडर हो करके जम करके पढ़िए। तो आज हम तुमको उसी के आगे पढ़ा रहे थे। तो कल तुमको मैंने बताया था फंडामेंटल लाइफ चैप्टर मैंने शुरू किया था, उसमें मैंने बताया था बॉडी की स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट क्या होती है, सेल होती है। मैंने बताया था बॉडी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होती है, सेल होती है। तुम्हें मैंने ये भी बताया था सेल को सबसे पहले किसने डिस्कवर्ड किया था, या एक बात देखा जाए क्या होती है, अपनी बॉडी है या प्लांटों की बॉडी है, वो छोटे छोटे सैक लाइक स्ट्रक्चर की बनी होती है। वो छोटे छोटे जो सैक होते हैं उनको क्या कहा जाता है, कोशिका कहा जाता है, सेल कहा जाता है। तो चाहे एनिमल की बॉडी हो चाहे प्लांटों की बॉडी हो, किसकी बनी होती है, सेल की बनी होती है। अगर तुमसे पूछा गया बताइए सेल को सबसे पहले किसने डिस्कवर्ड किया था, हालांकि कल मैंने तुम्हें बताया भी था तो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर्ड किया था। तो ये कौन से हैं, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को डिस्कवर्ड किया था, और कब डिस्कवर्ड किया था, 1665 में डिस्कवर्ड किया था, ये मैंने बताया था। इन्होंने क्या किया था, ओक प्लांट से कार्क को प्राप्त किया था, और कार्क के पत्ते पत्ते स्लाइस काटे थे और अपनी बनाई हुई माइक्रोस्कोप के नीचे देखा था। तो जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, मधुमक्खी हनीकम में जो चैम्बर होते हैं वो हेक्सागोनल होते हैं, इस प्रकार से हेक्सागोनल चैम्बर होते हैं, इसी प्रकार से इनको कार्क के सेक्शन में हेक्सागोनल सैक दिखाई दिए, और इन सैक की दीवार का नाम क्या दिया था, सेल दिया था। तो तुम्हें याद रखना है रॉबर्ट हुक ने ही क्या नाम दिया था, सेल नाम दिया था, और सेल को ही सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने ही डिस्कवर्ड किया था, लेकिन डेड सेल को डिस्कवर्ड किया था। अब देखा जाए कार्क क्या होती है, मैंने तुम्हें बताया था जब सेकेंडरी जाइलम के ऊपर सुबेरिन का डिपोजिशन होता है तब क्या बनती है, कार्क बनती है, और कार्क वाटर के लिए इम्परमेबल होती है, मतलब वाटर इधर उधर कार्क से होकर पास नहीं होता है, ये बात तुम्हें याद रखना है। दूसरी बात देखा जाए, अगर तुमसे पूछा गया बताइए लिविंग सेल को सबसे पहले किसने डिस्कवर्ड किया था, तो लीवेनहॉक ने, ये लीवेनहॉक ने कब डिस्कवर्ड किया था, 1674 में। तो लिविंग सेल को डिस्कवर्ड किया था ये लिविंग सेल। तो लिविंग सेल को किसने डिस्कवर्ड किया था, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर्ड किया था 1674 में।
तो सेल को किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 में, लेकिन डेड सेल को डिस्कवर किया था। लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया था? एंटोन वान लीवेनहॉक ने लिविंग सेल को डिस्कवर किया था 1674 में, जैसे बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था, अमीबा को डिस्कवर किया था, आरबीसी को डिस्कवर किया था, स्पर्म को डिस्कवर किया था, तो इन सब को लीवेनहॉक ने डिस्कवर किया था। दूसरी बात बताएं, सेल थ्योरी किसने दिया था? तो सेल थ्योरी दो साइंटिस्टों ने दिया था, एक है स्लीडन डेन, यह है स्लीडन एंड स्वान, यह स्वान, इन्होंने क्या प्रपोज किया था? सेल थ्योरी प्रपोज किया था, तो एक क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, सेल थ्योरी सबसे पहले किसने प्रपोज किया था? तो आपका आंसर क्या है? स्लीडन एंड स्वान। सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कहा था? सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। हमारी बॉडी जो बनी होती है सेल, और सेल के द्वारा उत्पन्न प्रोडक्ट से मिलकर के बनी होती है। ये बात सेल थ्योरी में किसने कहा था? स्लीडन एंड स्वान ने। एक साइंटिस्ट और है, रेडॉल्फ वर्चू हैं। कौन से हैं? रेडॉल्फ, ये हैं रेडॉल्फ वर्चू, रेडॉल्फ वर्चू। इन्होंने क्या प्रपोज किया था? कहा था कि नई सेल का फॉर्मेशन पुरानी सेल से होता है। इसी बात को क्या कहते हैं? प्री एग्जिटिंग सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्री एग्जिटिंग, ये क्या कहलाता है? प्री एग्जिटिंग, प्री एग्जिटिंग सेल कहलाता है। इसका मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल फ्रॉम ओल्ड सेल, या इसी को क्या कहते हैं? ऑमनिस सेलुली सेलुला कहते हैं। अगली बात मैंने बताया था, अगर तुमसे पूछते हैं न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन, ये कौन से डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। ये न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था 1831 में। तो ये रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। अगर तुमसे पूछा जाए कि रॉबर्ट हुक की बुक का नाम क्या है? माइक्रोग्राफिया है। क्या होता है? माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया बुक किसने लिखी थी? रॉबर्ट हुक ने लिखी थी। और सेल की डिटेल स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन का पूरा एक्सप्लेनेशन इन्होंने अपनी बुक माइक्रोग्राफिया में किया था। अब देखा जाए तो ये मैंने बताया है न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। एक बात और तुमको मैंने बताया है कि अगर तुमसे पूछा जाए प्रोटोप्लाज्म को किसने डिस्कवर किया था? तो डुजार्डिन ने। कौन से है? ये है डुजार्डिन। डुजार्डिन ने किसको डिस्कवर किया था? प्रोटोप्लाज्म को। यह है प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म को किसने डिस्कवर किया था? डुजार्डिन ने डिस्कवर किया था। और नाम क्या दिया था? सार्कोड नाम दिया था। तो प्रोटोप्लाज्म को किसने डिस्कवर किया था? डुजार्डिन ने। और नाम क्या दिया था? सार्कोड नाम दिया था। क्या नाम दिया था? सार्कोड नाम दिया था। और अगर तुमसे पूछा जाता है प्रोटोप्लाज्म टर्म किसने यूज किया था? तो एक साइंटिस्ट है पुरकिंजे, पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म नाम यूज किया था। तो ये चीज़ें तुम्हें याद रखना है। और अगर तुमसे पूछा जाता है कि किसे फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहते हैं? तो प्रोटोप्लाज्म को क्या कहते हैं? फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहते हैं। तो ये अब देखा जाए क्या होता है। टाइप्स ऑफ सेल के बारे में बात करें तो सेल एक्चुअली में दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है यूनिसेलुलर सेल
और दूसरी कौन सी होती है, मल्टी सेलर सेल होती है। हाँ, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात करें तो एक होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और दूसरे कौन से होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। हमने क्या बताया, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ऑर्गेनिज्म दो प्रकार के होते हैं, एक कौन से होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो क्या है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, यह टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म ये कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। दो टाइप के कौन कौन से होते हैं, पहला कौन सा है, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर, और दूसरे कौन से होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। ये है मल्टी सेलुलर सेलुलर ऑर्गेनिज्म, और ये वाले कौन से, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म। अब देखा जाए, अगर जो हम सबसे पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो यहाँ पर मैंने नोट कर लिया यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, एक सेल के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, एक सेल के बने होते हैं। तो ये बात तुम्हें याद रखना है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एक सेल के बने होते हैं। इधर नोट कर लिया मैंने मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये बहुत सारी सेल के बने होते हैं। किसकी, बहुत सारी सेल के बने होते हैं। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, मेड अप ऑफ सिंगल सेल। ये क्या होते हैं, मेड अप ऑफ सिंगल सेल, सिंगल सेल। ये केवल एक सेल के बने होते हैं, ये बहुत सारी सेल के बने होते हैं, मेड अप ऑफ मल्टी सेल्स। तो ये कौन से, मेड अप ऑफ मल्टी सेल, मल्टी सेल मतलब बहुत सारी सेल से मिलकर के बने होते हैं। इसमें क्या होता है, ऑल सेल्स, ऑल रिएक्शंस ऑफ बॉडी कंप्लीटेड इन द सिंगल सेल। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑल रिएक्शन, ऑल रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ बॉडी, बॉडी कंप्लीटेड, कंप्लीटेड इन द सिंगल सेल, सिंगल सेल। इसमें क्या लिखोगे, ऑल रिएक्शंस ऑफ बॉडी कंप्लीटेड इन डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। तो ऑल रिएक्शन यहां पर क्या होगी, ऑल रिएक्शन, रिएक्शन of body, body completed, completed in different type of cell, in different, different type of cell। तो इसमें क्या होता है, body की जितनी भी reaction होती है different type की cell में complete होती है, और इसमें एक सेल के अंदर कंप्लीट हो जाती हैं। और तीसरी बात देखा जाए क्या होता है, इसमें रिप्रोडक्शन एक ही सेल में कंप्लीट हो जाता है, रिप्रोडक्शन कंप्लीट इन सिंगल सेल। तो रिप्रोडक्शन कंप्लीट इन सिंगल सेल, तो ये रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन कंप्लीट, कंप्लीट इन अ सिंगल सेल, सिंगल सेल। इधर देखा जाए, इसमें इन द रिप्रोडक्शन फॉर्म जर्म सेल,
तो इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन के समय जर्म सेल का फॉर्मेशन होता है। इन द रिप्रोडक्शन जर्म सेल आर फॉर्म इन द रिप्रोडक्शन, तो यहाँ पर क्या होती है, जर्म सेल आर फॉर्म इन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। अब देखा जाए क्या होता है, जर्म सेल दो प्रकार की होती हैं, एक स्पर्म होते हैं और दूसरे ओवा होते हैं। एक स्पर्म होते हैं और दूसरे कौन से होते हैं, ओवा होते हैं। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ये सिंपल होते हैं, ये दीज आर सिंपल ऑर्गेनिज्म। तो नेक्स्ट कौन सा है, दीज आर सिंपल सिंपल ऑर्गेनिज्म। और ये क्या होता है, ये जो होते हैं, ये थर्ड पॉइंट। और फोर्थ पॉइंट क्या है, दीज आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। तो ये कौन से हैं, दीज आर कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं। मतलब इनकी बॉडी सिंपल होती है और इनकी बॉडी कैसी होती है, जटिल होती है। इसके अंतर्गत कौन आते हैं, जैसे बैक्टीरिया आता है, कौन आता है, बैक्टीरिया आता है, अमीबा आता है, योग्लिना आता है, पैरामीशियम आता है, ये सब किस में आते हैं, यूनिसेलुलर में आते हैं। मैंने क्या बताया, बैक्टीरिया आता है, पैरामीशियम आता है, योग्लिना आता है, अमीबा आता है। यहाँ पर मैंने एक बात यूज किया है, योग्लिना। योग्लिना को क्या कहा जाता है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। योग्लिना को क्या कहते हैं, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। कनेक्टिंग लिंक का मतलब कुछ करेक्टर प्लांटों के पाए जाते हैं और कुछ करेक्टर एनिमल के पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर योग्लिना को हम सनलाइट में रख देते हैं, कहाँ रख दें, योग्लिना को सनलाइट में रख दें, तो इसमें क्लोरोप्लास्ट बन जाते हैं। और जब क्लोरोप्लास्ट बन जाते हैं तब ये अपना भोजन स्वयं बना लेता है, मतलब तब ये हरे कलर का हो जाएगा और फोटोसेंसिस करेगा, और फोटोसेंसिस के द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेता है। भोजन स्वयं बना लेना किसका करैक्टर है, प्लांट का होता है, इसलिए योग्लिना को प्लांट के अंतर्गत रखा गया है। अगर जो हम योग्लिना को डार्क प्लेस में रख दें, अंधेरे में रख दें, तब क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है, क्लोरोप्लास्ट डिसअपियर हो जाता है, और तब ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है। और भोजन स्वयं न बना पाना किसका करैक्टर है, एनिमल का करैक्टर है, इसलिए योग्लिना को प्लांट और एनिमल के बीच की कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसे प्लांट और एनिमल के बीच की कनेक्टिंग लिंक कहते हैं, तो आपका आंसर है योग्लिना। क्योंकि अगर योग्लिना को सनलाइट में रख दोगे तब क्या होगा, फोटोसेंसिस के द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेगा, क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट डेवलप हो जाता है। भोजन स्वयं बना लेना किसका करैक्टर है, ग्रीन प्लांटों का करैक्टर है। और अगर योग्लिना को डार्क प्लेस में रख दोगे तो क्लोरोप्लास्ट क्या होगा, डिसअपियर हो जाएगा, और तब ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाएगा। और भोजन स्वयं न बना पाना किसका करैक्टर है, एनिमल का करैक्टर है, इसीलिए योग्लिना को प्लांट और एनिमल के बीच का कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत मैंने बताया, जैसे अमीबा आता है, पैरामीशियम आता है, योग्लिना आता है, बैक्टीरिया आते हैं, ये सब आते हैं। दूसरी बात देखा जाए, इसके अंतर्गत बाकी सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं, जैसे प्रोटेस्टा के अंतर्गत जो ऑर्गेनिज्म आते हैं, प्लांटों के अंतर्गत, एनिमल्स के अंतर्गत, मतलब बैक्टीरिया, योग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा को छोड़कर बाकी सारे अपन लोग सब किस में आ जाते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आ जाते हैं। फिर देखा जाए डेवलपमेंट के बेसिस पर, अगर जो अपन देखते हैं, तो तुमको मैंने बताया था पिछली क्लास में, डेवलपमेंट के बेसिस पर सेल दो प्रकार की होती है, एक कौन सी होती है, प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरी होती है यूकैरियोटिक सेल।
प्रोकैरियोटिक सेल लेस डेवलप होती है, यूकैरियोटिक सेल मोर डेवलप होती है। दूसरी बात मैंने बताया था प्रोकैरियोटिक सेल की जो सेल वॉल होती है वो म्यूरामिक एसिड या पेप्टिडो ग्लाइकॉन की बनी होती है, और यूकैरियोटिक सेल में सेलुलोज की बनी होती है या काइटिन की बनी होती है। जैसे फंजाई में सेल वॉल किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। तीसरी बात मैंने बताया था प्रोकैरियोटिक में जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, और यूकैरियोटिक में जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियोलस नहीं पाया जाता है, यूकैरियोटिक में न्यूक्लियोलस पाया जाता है। नेक्स्ट मैंने बताया था प्रोकैरियोटिक में 70S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं, और यूकैरियोटिक सेल में 80S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। नेक्स्ट मैंने बताया था प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जैसे माइटोकांड्रिया है, प्लास्टिड है, लाइसोसोम है, गॉल्जी बॉडीज, वैक्यूल, सेंट्रस, सेंट्रियोल ये सब नहीं पाए जाते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक के अंतर्गत ये सभी पाए जाते हैं। तो ये करैक्टर क्या हो गए, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच डिफरेंस होता है। और प्रोकैरियोट में मैंने बताया था बैक्टीरिया आता है, ब्लू ग्रेन एल्गी आते हैं, माइकोप्लाज्मा आता है। तो ये किस में आते हैं, प्रोकैरियोट्स में आते हैं। तो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रेन एल्गी, माइकोप्लाज्मा इनको छोड़ करके बाकी सब किस में आते हैं, यूकैरियोट्स में आते हैं। जैसे अपन लोग किस में आएंगे, यूकैरियोट्स में आते हैं। और तुमसे अगर पूछ लिया जाए बताइए नेचर का स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म कौन सा है, तो PPLO है। PPLO, PPLO का पूरा नाम क्या है, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, या इसी को क्या कहते हैं, माइकोप्लाज्मा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, माइकोप्लाज्मा भी कहते हैं। तो प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म या माइकोप्लाज्मा कहते हैं। ये स्मॉलेस्ट सेल होती है नेचर की। दूसरी बात पूछा जाए, अगर तुमसे पूछ ले सिंगल लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल कौन सी होती है, तो एग ऑफ ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी सेल होती है। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो अगर तुमसे कभी भी कोई क्वेश्चन पूछे बताइए नेचर की सिंगल आइसोलेटेड, आइसोलेटेड मतलब पृथक की गई, सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है, तो एक आप ऑस्ट्रिच होता है। एक बात और तुम्हें बता दें, दुनिया में जितनी भी बर्ड्स होती हैं सबसे बड़ी बर्ड्स कौन सी है, ऑस्ट्रिच होती है। शुतुरमुर्ग जो होता है वो सबसे बड़ी बर्ड्स होती है, और ये बर्ड्स कैसी है, एक फ्लाइटलेस बर्ड है, उड़ती नहीं है, ये बात याद रखना है। इस पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लाइट बर्ड्स, तो आपका आंसर होगा ऑस्ट्रिच है, शुतुरमुर्ग, और शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है बॉडी के अंदर की सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है, तो अपनी बॉडी के अंदर की सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है, नर्व सेल होती है। बड़ी मत कहो, लॉन्गेस्ट सेल कहो। तो ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है, नर्व सेल होती है। कौन सी, नर्व सेल। और अगर तुमसे पूछा जाए बताइए बॉडी के अंदर की सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो आपका आंसर होगा स्टेपीज होती है। स्टेपीज बोन बॉडी की स्मॉलेस्ट बोन होती है, और ये कहाँ पर पाई जाती है, कान के अंदर मिडिल ईयर में पाई जाती है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है, तो आपका आंसर होगा फीमर होता है, जो थाई में पाई जाती है, जांग में पाई जाती है। तो अगर तुमसे पूछा गया बताइए लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है, तो आपका आंसर है फीमर, और स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है, स्टेपीज बोन है, समझे। तो ये सारी बातें तुम्हें याद रखना है। आगे चीज़ देखा जाए क्या होता है, अगर जो हम डिटेल स्ट्रक्चर यूकैरियोटिक सेल की बात करें, डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल,
तो डिटेल स्ट्रक्चर आप यूकैरियोटिक सेल की अगर जो हम बात करते हैं तो सेल को हम तीन कंपोनेंट पे बांट सकते हैं। डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल, या इसके पहले थोड़ा सा एक और चीज़ देख लें तब डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल देखते हैं। हम प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस देखें, मतलब डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो एक साइड में मैंने नोट कर लिया ये प्लांट सेल और दूसरे साइड में नोट कर लिया एनिमल सेल। एनिमल सेल ये अपने को डिफरेंस तुमने कक्षा आठ में पढ़ा भी होगा, प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस। प्लांट सेल में देखा जाए, अगर कभी भी क्वेश्चन तुमसे पूछा जाता है मेन डिफरेंस किसका होता है, सेल वॉल का होता है। तो इसमें क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। क्या है, सेल वॉल।